रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय आदर्शनगर में महान शिक्षाविद व ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की 205वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दृष्टिहीन और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को क्रिकेट, वस्तु स्पर्श, महक, लेखन, कंप्यूटर और मोबाइल से पढ़ने लिखने की विधि बताई गई। लुई ब्रेल जयंती के मुख्य अतिथि समाजसेवी ओपी तिवारी थे। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों और अभिभावकों के साथ मेहमानों को स्कूल में लगाई गई प्रदर्शनी भी दिखाई गई, जिसमें 6 बिंदुओं के आधार पर शब्दावली, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को प्रदर्शित किया गया। इसी प्रकार गणित, कंप्यूटर और सीडी प्लेयर से पढ़ने का तरीका सिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम दिए, जिसमें भजन, गीत और उपदेश प्रस्तुत कर लुई ब्रेल जयंती मनाई गई। पूर्व प्रतियोगियों और वर्तमान प्रतियोगियों को प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्य सज्जन सिंह चौहान ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में डॉक्टर नरेश ने अपना सहयोग प्रदान किया। वहीं श्रद्धेय स्वामी हृदयराम साहिब और श्रद्धेय सिद्ध भाऊ की प्रेरणा से जीव सेवा समिति के द्वारा शीतलहर के प्रकोप से पीड़ित लोगों को बचाव के लिए कंबल वितरित किए गए। रविवार को समिति के सचिव जगदीश बच्चानी, माधव बच्चानी, हरीश नानकानी, मोहन तुलसानी आदि पदाधिकारियों ने आदर्श नगर अंध विद्यालय में पढ़ने वाले 55 बालकों को गर्म कंबल वितरित किए। इस अवसर पर शाला प्रबंधन ने समिति पदाधिकारियों का आभार जताया। क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है हम कहे, जो है हम सुने, वो बात क्या है बता। मितवा स्वामी हृदयराम जी एवं श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी की प्रेरणा से जीव सेवा समिति की ओर से चालू शीत ऋतु के दौरान जब से ये शीत लहर आई हुई है, तब से जीव सेवा समिति की ओर से विभिन्न निर्धन गरीब बस्तियों में बच्चों को आश्रमों में ब्लैंकेट्स का वितरण किया जा रहा है और लगभग 1100 ब्लैंकेट्स का वितरण जीव सेवा समिति की ओर से अगले 4-5-7 दिनों में जब तक ये शीत लहर चल रही है तब तक बांटे जाएंगे। यह सारा जो डोनेशन है वो दुबई के एक अप्रवासी भारतीय ने यहाँ उपलब्ध कराया है। आज इसी क्रम में राजकीय अंध विद्यालय आदर्श नगर में लगभग 55 बच्चों को हमने यहाँ पर ब्लैंकेट्स वितरित किए जो कि वहाँ पर उपलब्ध थे। 4 जनवरी को ब्रेल जयंती मनाई जाती है, जो हमारे अंध विद्यालय का सबसे बड़ा समारोह होता है। इस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि वगैरह बाहर से आए हैं, उनका हमने सम्मान किया और जीव दया समिति की तरफ से भी कुछ सदस्य आए हुए हैं, उन्होंने कंबल वितरित किए हैं। श्री बच्चानी जी आए हैं और यह विद्यालय का सबसे बड़ा समारोह होता है, इसके अंदर विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। जैसे